हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 भारत का भौतिक स्वरूप के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं जो एनसीईआरटी बुक का है। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने करा दिया जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अगर चैप्टर 1 को नहीं देखें तो आप चैप्टर 1 को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा है कि एक स्थलीय भाग है जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन आपको यहां पे दिए गए हैं। ऑप्शन में कहता है तट कहते हैं उसे, ऑप्शन ख में प्रायद्वीप कहते हैं, ऑप्शन ग में द्वीप कहते हैं और ऑप्शन घ में इनमें से कोई नहीं। तो स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा होता है उन चीजों को हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप। तो ऑप्शन ख यहां पे आपका राइट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा है कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है। ध्यान रखेंगे, ये म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वत हैं और इन सबों का एक साथ नाम जो लिया जाता है उसी को संयुक्त नाम के जाना जाता है। तो वो कौन सा संयुक्त नाम है। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन का में क्या उसे हिमाचल कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा उसे हम लोग पूर्वांचल कहते हैं, किसको, जो म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले संयुक्त पर्वत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ख यहां पे आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या उसे कोरोमंडल कहते हैं, क्या उसे कन्नड़ कहते हैं, क्या उसे कोंकण कहते हैं या उत्तरी सरकार कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इन चारों ऑप्शंस के बारे में जान लीजिए, क्योंकि बहुत से दिक्कत है इस क्वेश्चन में और बहुत से बच्चे को गलत आंसर इसका मिल जाता है। तो देखिए, आपके बुक में ही दिया है, यहाँ पे 2 हमने पेज लिया है, इसमें कहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर के पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। अब यहां पे देखेंगे कि इनके जो संकीर्ण मैदान है इनमें तट के उत्तरी भाग को कोंकण कहते हैं। किसको कहते हैं, कोंकण, जो मुंबई तथा गोवा में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है गोवा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोंकण। लेकिन बहुत से बच्चे यहाँ पे कन्नड़ को मार लेते हैं ऑप्शन में टिक। तो ऑप्शन में टिक मारने से पहले आप देख लीजिए कि जो मध्य भाग है उसी को कन्नड़ बोला जाता है, लेकिन आपसे ये गोवा के दक्षिण में स्थित जो पश्चिम तटीय पट्टी है वो आपसे पूछा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं मुंबई और गोवा के लिए कोंकण है। ठीक है, अगर आप कोरोमंडल मारते हैं तो कोरोमंडल में भी देख लीजिए कि ये दक्षिणी भाग होता है जो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। किसका दक्षिणी भाग होता है, तो ये बंगाल की खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है इसके उत्तर में उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है, जबकि दक्षिण भाग में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर वही हम उत्तरी सरकार की बात करें तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन में पता चल गया कि उत्तरी सरकार क्या है, ये कौन से भाग में होता है। तो इन प्रश्न में बहुत से बच्चे को गलती हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से सही करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ग होगा, कोंकण। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है। सर्वोच्च कहने का मतलब सबसे ऊंचा शिखर कौन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन क में अन्नाई मुड़ी, ठीक है, ऑप्शन ख में महेंद्रगिरी, ऑप्शन ग में कंचनजुंगा और ऑप्शन घ में खासी। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है महेंद्रगिरी। तो ऑप्शन ख आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो क्लियर होता है। अब जो हम लोगों का आता है वो संक्षेप में उत्तर देने वाला है, जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है भावर क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि उत्तरी मैदान का वह संकरा क्षेत्र जो नदी के द्वारा पर्वतों से उतरते समय बहाकर लाए गए कंकड़ों या पत्थरों के मिलने से बनता है उसे हम लोग भावर कहते हैं। और आपके बुक में एक चीज और दिया है कि नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16
किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, इसी को भावर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये आपको याद करने में बहुत इजी होगा, दोनों का मतलब तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पे हमने 8 से 6 किलोमीटर को नहीं दर्शाया है और यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि शिवालिक की ढाल पे है, ठीक है। लेकिन आप इससे ज्यादा इस प्रश्न में, इस प्रश्न का जो आंसर याद रखेंगे वो आपको जल्दी याद रहेगा। आप दोनों में से कोई एक को याद कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम बताइए जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताना है। तो देखिए हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्न है, जिनमें आप देखेंगे फर्स्ट का नाम महान हिमालय या इसे एक और नाम से जाना जाता है और वो आपका नाम हिमाद्री है। आप शॉर्ट में इसे हिमाद्री भी बताएंगे तो आपका गलत नहीं होगा, आप महान हिमालय भी बता सकते हैं तो गलत नहीं होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 2 में हमने लिखा है मध्य हिमालय या इसे हिमाचल के नाम से जानते हैं। उसके बाद थर्ड में बा हिमालय या इसे शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो आपको जो ज्यादा सुटेबल लगता है उसको आप याद कर लेंगे तो आप अपने प्रश्नों को सही कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो इनमें से सही लगता है उसी को आप याद करेंगे और अन्यथा आप उसे छोड़ भी देंगे, ठीक है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसे कहता है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है कि भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। ध्यान रखेंगे किस चीज के, प्रवाल भित्ति के बने हुए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ऐसा जो द्वीप है जो प्रवाल भित्ति के बने हैं, लेकिन पहले इनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि इनको लक्का द्वीप के नाम से भी जाना जाता था, मिनिकाय के नाम से जाना जाता था, एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया। तो अगर आपसे कोई कहे कि लकवा द्वीप बताइए क्या प्रवाल भित्ति का बना है तो आप कहेंगे कि बिल्कुल बना है, मिनिकाय बना हुआ है तो बिल्कुल बना हुआ है, यमीन द्वीप बना हुआ है तो बिल्कुल बना हुआ है, और आपसे कहे कि इन सबों को मिलाकर के एक नाम लिखा गया है जिसका नाम है लक्षद्वीप, क्या वो प्रवाल भित्ति का बना है, तो आपका आंसर बिल्कुल हाँ होना चाहिए, क्योंकि ये जो लक्षद्वीप है इन्हीं का नाम बदल करके 1973 में लक्षद्वीप रखा गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर सटीक मिल रहा होगा और आपके लिए ज्यादा अच्छा रह रहा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चंस को क्वेश्चन के साथ साथ आंसर को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको अंतर स्पष्ट करने की बात कहा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बांगर और खादर क्या है, और सेकंड में पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर, ये दोनों में आपको अंतर करना है। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं बांगर और खादर का। तो देखिए बांगर और खादर को हमने 2 तरीके से कैटेगराइज कर दिया है, एक तरफ हमने बांगर और सेकेंड की तरफ हमने खादर लिख दिया है। अब बांगर क्या होता है, तो ये नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए बरसों पुराने मिट्टी होता है, और वो कैसा मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी होता है, और इसको हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। लेकिन खादर क्या है, ये गंगा या अन्य नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए नवीन जलोढ़ मृदा होता है। नवीन मतलब हर साल नया नया मिट्टी को बहाकर के लाया जाता है, तो ऐसे मृदा को या ऐसे जलोढ़ मृदा को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं, ठीक है। बांगर का जो निर्माण है वो प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, ये बहुत पुरानी मिट्टी होती है, जैसा कि हमने ऊपर भी लिखा है कि पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। लेकिन अगर खादर की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष नहीं होती है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा प्रत्येक वर्ष बहाकर लाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड में हमने लिखा है कि यह अधिक उपजाऊ नहीं होता है, जो बांगर है वो ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी हो जाती है, जबकि ये जो है खादर ये अधिक उपजाऊ होता है, क्योंकि हर साल नए मिट्टी को अपने साथ बहा करके नई परत को जमा करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों में आपको अंतर बताया, आप लोग दोनों अंतर को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी का कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में क्या डिफरेंस है। तो इन देखिए इन दोनों में भी हमने अंतर किया है कि जो पूर्वी घाट का विस्तार है ये महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी तक है, लेकिन अगर पश्चिमी घाट की बात करें तो ये पश्चिम तट के ही समांतर स्थित है। पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है वो 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट के जो शिखर हैं वो कम ऊंचाई के होते हैं, लेकिन
पश्चिमी घाट के जो शिखर होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे कि अनायमुड़ी तथा डोडा, ये 2695 मीटर है और ये 2633 मीटर का है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें पूर्वी घाट की, तो ये सबसे इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो महेंद्रगिरी है, जो 1500 मीटर का है। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस कैसे है, एक में ऊंचाई ज्यादा है, एक में ऊंचाई कम है। तो इस तरीके से हमने तीन तीन यहाँ पे अंतर बता दिया है, आप लोग तीन से भी ज्यादा लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। आप जनरली तरीके से आप तीन आंसर, तीन आप डिफरेंस दोनों में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें कहता है कि भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप पठार के ऊंचावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि भारत के प्रमुख भू आकृति विभाग निम्न है, जिनमें फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा हिमालय पर्वत श्रृंखला, सेकेंड है उत्तरी मैदान, थर्ड है प्रायद्वीपीय पठार, फोर्थ है भारतीय मरुस्थल, फाइव है तटीय मैदान और सिक्स है द्वीप समूह। तो ये 6 तरीके से यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है, यानी इसे 6 तरीके से विभाग में बांटा गया है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हिमालय क्षेत्र है, यानी हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये दोनों के जो ऊंचावच है इसमें क्या लक्षण, इस ऊंचावच के जो लक्षण है इसमें क्या अंतर है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के ऊंचावच लक्षणों के निम्नलिखित अंतर है, जैसे कि एक तरफ हमने हिमालय क्षेत्र लिखा और सेकेंड तरफ प्रायद्वीपीय पठार लिखा। हिमालय क्षेत्र की बात करें तो ये भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित है। बलित कहने का मतलब ये मुड़दार पर्वत के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार की है, जो पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का ये अंश है। कौन है? तो ये प्रायद्वीपीय, इसे एक और नाम भी दिया जाता है गोलाकार। आप ध्यान रखेंगे गोलाकार भी आपसे कह दे तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है, गोलाकार भी इसका होता है, ठीक है। अगला इसी में हमने डिफरेंस लिखा है कि ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं पश्चिम से पूरब दिशा में सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त, अर्धवृत्त करने का मतलब जो चाप है उसके रूप में ये फैला हुआ है। लेकिन अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो ये उत्तर की ओर चौड़ा और दक्षिण में संकीर्ण है। इसकी जो ऊंचाई है औसत में वो 600 से 900 है। लेकिन अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 160 किलोमीटर के रूप में ये फैला हुआ है। तो इस तरीके से हमने दोनों में डिफरेंस किया, आप दोनों में डिफरेंस लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन आता है वो कहता है कि भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए, कि भारत के उत्तरी मैदान में क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए इस प्रश्न का राइट उत्तर हमने इस तरीके से लिखा है कि उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, यहाँ पे सिंधु कॉमा होगा, सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन, बेसिन का मतलब द्रोणी होता है, द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है वो तीन नदी प्रणालियों से हुआ है, एक तो आपका सिंधु है, सेकेंड में गंगा है और थर्ड में ब्रह्मपुत्र है। इन तीनों सहायक नदियों से इसका निर्माण हुआ है और इसमें इस मैदान में आपको सबसे ज्यादा जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे कहता है कि इसका जो विस्तार है, यानी उत्तरी मैदान का जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो इस तरीके से हमने इसके बारे में बताया कि उत्तरी मैदान की क्या विशेषता है, कहाँ पे स्थित है, ये बनता कैसे है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इन सारी चीजों को इस प्रश्न के उत्तर में हमने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन आता है
चाहे इसमें और भी पॉइंट हमने यहाँ पे ऐड किया था, जैसे कि यहाँ पे जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, सघन जनसंख्या है इस क्षेत्र में, यानी कि उत्तरी मैदान के क्षेत्र में। यहाँ पे जो मृदा है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है, इसलिए यहाँ पे पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ पे कृषि भी की जाती है, और ये कृषि उत्पादक के क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है, और ये बहुत ज्यादा उत्पादन को ये करता है, उत्पादन बहुत ज्यादा ये यहाँ पे की जाती है फसलों की। तो ध्यान रखेंगे उत्तरी मैदान में बहुत ज्यादा कृषि की जाती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फसलों के उत्पादन की जाती है, क्योंकि यहाँ पे अनुकूल जलवायु है, यहाँ पे पानी है, तो इन सारे चीजों के वजह से जो उत्तरी मैदान है वो बहुत ज्यादा मनुष्यों के लिए, खास करके जनसंख्या जो इतनी बड़ी है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो चलिए कौन कौन से पॉइंट पे आपको टिप्पणी करना है, टिप्पणी करने का मतलब छोटे छोटे आप स्पीच के रूप में यहाँ पे लिख सकेंगे, जैसे कि मध्य हिमालय क्या है इसके बारे में आपको बताना है, यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं, फिर उसके बाद मध्य उच्च भूमि और भारत के प्रायद्वीप समूह। तो सबसे पहले हम लोग मध्य हिमालय पर लिखते हैं, उत्तर में हमने लिखा है मध्य हिमालय महान हिमालय के समानांतर दक्षिण में स्थित श्रृंखला को ही मध्य हिमालय के रूप में जाना जाता है, या इसे मध्य हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छटी श्रृंखला है तथा इसका निर्माण अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी जो ऊंचाई है वो 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच तथा इसकी जो औसत चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। यहाँ के पर्यटन स्थलों में कश्मीर की घाटी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि हैं। यहाँ की सभी पर्वत श्रेणियाँ घने सदाबहार वनों से ढके रहते हैं तथा इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग जैसे गुलगर्ग, खिलनमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, या सोनमर्ग के नाम से यहाँ पे पुकारा जाता है। तो इस तरीके से मध्य हिमालय के बारे में हमने आपको बताया। फिर अगला है मध्य उच्च भूमि। ये जो मध्य उच्च भूमि है ये अधिकतर भाग ये मालवा के पठार के रूप में है, और ये मालवा के पठार के रूप में जाना भी जाता है, या इसे कहा भी जाता है। यह जो पठारी भाग है पूर्व में महादेव श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। ध्यान रखेंगे पूर्व में महादेव श्रृंखला, उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य पर्वत या विंध्याचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, यह श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है। यहाँ बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन है। इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण है। तो यहाँ पे हमने मध्य भूमि के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी है, और थोड़ी सी जानकारी आपको लिखना भी है। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो भारत के द्वीप समूह का आता है। तो चलिए भारत के द्वीप समूहों पर भी थोड़ा सा टिप्पणी कर लेते हैं। ये भारत की समुद्र सीमा के अंतर्गत 1256 द्वीप है, यानी द्वीपों की संख्या की बात करें तो समुद्री सीमा के अंतर्गत अपने इंडिया में 1256 है। ये मुख्यतः दो समूहों में है, एक आपका बंगाल की खाड़ी और सेकेंड आपका अरब सागर। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूहों में लगभग 572 द्वीप हैं, जिनके 36 द्वीपों पर आबादी पाई जाती है। ध्यान रखेंगे बंगाल की खाड़ी में कितने द्वीप हैं, तो 572 द्वीप हैं, जिनमें से 36 ऐसे द्वीप हैं जिन पे आबादी यानी हम लोग मनुष्य रहते हैं। अरब सागर के 47 द्वीप हैं। ध्यान रखेंगे अरब सागर में कितने हैं, 47, और बंगाल की खाड़ी में 572। इसके अतिरिक्त गंगा सागर और महानदी के डेल्टा में भी अनेक द्वीप स्थित है। तो आप समझ पाए होंगे कि अपने कंट्री में, अपने देश में द्वीप कैसे हैं, किस जगह पे स्थित हैं, कुल कितने हैं, इन चीजों को आप देख पाए होंगे और समझ पाए होंगे कि ऐसे भी द्वीप हैं जहां पे मनुष्य यानी जनसंख्या की आबादी रहती है।
ठीक है। फिर इसी में हमने लिखा है कि बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप अंडमान, बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। और वही अरब, अगर अरब सागर की बात करें तो इसमें लक्षद्वीप और मिनिकाय शामिल है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लक्षद्वीप और मिनिकाय किस किस सागर के द्वीप हैं, तो आपको बताना होगा अरब सागर के। पूरा जो द्वीप है वो समूह परवाल निक्षेप का बना हुआ है, यानी जो ये लक्षद्वीप है ये किस चीज का बना हुआ, परवाल भित्ति का बना हुआ है। और ये 11 डिग्री चैनल द्वारा दो भागों में बांटा गया है। किसको बांटा गया है, तो लक्षद्वीप को, और अरब सागर के जो द्वीप हैं वो लक्षद्वीप के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका हमने आंसर करा दिया। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियो को हम उसमें सुधार लाएं और उसमें और भी अच्छे से आपको बताने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो और अगले कंटेंट के साथ।